गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी कॉम सेकेंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 50 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा चल रहा है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज. इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं. पी लिमिटेड और एस लिमिटेड, इन दोनों की बैलेंस शीट हमारे पास है. देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है, आफ्टर दैट इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल. स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैंने पहले भी बताया था कि एक बार आप बैलेंस शीट को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आगे नहीं दे रखे होते डिटेल्स में, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है. जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट था ना, तो वो हमें बैलेंस शीट को देखकर पता चला. इसलिए एक बार बैलेंस शीट को पढ़ना चाहिए अच्छे से. इक्विटी शेयर कैपिटल है, इशूड रिजर्व्स में रिवेन्यू रिजर्व्स, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है. चलिए, एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स से बिल्कुल सिंपल सी बैलेंस शीट है, ठीक है. आगे दे रखे हैं कि पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड का व्यवसाय 3 लाख रुपए में अधिग्रहण किया, जिसे सम मूल्य पर आवंटित समता अंश के रूप में चुकाना है. क्या किया स्टूडेंट्स? पी लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस एस लिमिटेड का. पी लिमिटेड हमारी परचेजिंग कंपनी एंड एस लिमिटेड हमारी वेंडर कंपनी. और परचेज कंसिडरेशन भी हमें नहीं कैलकुलेट करना, यहाँ तो दे ही रखा है. चलिए, 3 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन में 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बिल्कुल ये हमारा 3 लाख का पीसी. आफ्टर दैट पी लिमिटेड के देय बिलों में 25,000 रुपए के ऐसे बिल शामिल हैं जिन्हें माल खरीदने के कारण एस लिमिटेड के पक्ष में स्वीकार किया गया है. ओके, पी लिमिटेड के बिल्स पेबल जो टोटल 35,000 है ना स्टूडेंट्स, उसमें से 25,000 के बिल्स हमारी दूसरी कंपनी से रिलेटेड है, मतलब कि एस लिमिटेड से रिलेटेड है. तो ये कॉमन बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल 25,000, चलिए ठीक है. एस लिमिटेड लागत पर 25% लाभ जोड़कर माल का विक्रय करती है. एस लिमिटेड जो है क्या करती है कि एस लिमिटेड सेल गुड्स बाय एडिंग प्रॉफिट ऑफ 25% इज ऑन कॉस्ट. और आगे दे रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एस लिमिटेड ऑफ द इनवॉइस प्राइस ऑफ ₹12,500 स्टिल रिमेन अनसोल्ड इन द स्टॉक ऑफ पी लिमिटेड. क्या बोला गया कि आपकी एस लिमिटेड जो है ना, वो कॉस्ट प्लस 25% पर अपने गुड्स सेल आउट कर रही, और उनसे खरीदे गए 12,500 रुपीज़ के इनवॉइस प्राइस के गुड्स अमालगमेशन की डेट पर पी लिमिटेड के स्टॉक में कैसे बेच रही है स्टूडेंट्स? 100 प्लस 25% मीन्स 125 की रेट से बेचा जाता है. समझ में आ रही है चीज़? 100 मतलब कॉस्ट प्लस 25%, इस रेट पर आप क्या करते हो, गुड्स सेल आउट करते हो. और ये वाली इनवॉइस प्राइस के लिए 12,500 के ऐसे गुड्स अभी भी स्टॉक में है. ये क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक. तो हम निकाल लेंगे 12,500 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है. इफ़ कॉस्ट प्लस 25%, दैट मीन्स 12,500 इज इक्वल टू 125 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. और वो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हमें एक एंट्री पास करनी है, ताकि हम उस वैल्यू को स्टॉक में से घटा सके. चलिए आगे बोल रहे हैं, एकीकरण की तिथि को पी लिमिटेड के स्टॉक में बिना विक्रय स्टॉक के रूप में सम्मिलित है 12,500. आगे बोला है, उपरोक्त 25,000 के देय बिलों में से 5,000 के बिल अभी भी एस लिमिटेड के पास है, तथा बिलों की शेष राशि का लेनदारों के पक्ष में बेचान कर दिया गया है, अथवा इन्हें बट्टा देकर बैंक से भुनवा लिया गया है. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. देखिए, अभी हमें क्या बोला था, पहले बोल रहे थे कि पी लिमिटेड इनके बिल्स पेएबल 25,000 के, ये एस लिमिटेड से रिलेटेड है. फाइन, हमने मान लिया था 25,000 कॉमन. पर अब क्या बोल रहे हैं कि एस लिमिटेड ने क्या किया, इन 25,000 में से
20,000 के बिल्स तो कहीं और दे दिए और 5,000 के बिल्स अभी इनके पास है, तो मैम कहीं और कैसे देंगे बिल्स को? तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि बिल्स रिसीवेबल जो हमारे पास होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि इस बिल पर जो डेट मेंशन है उस डेट पर हमें पेमेंट मिलने वाला है। तो जैसे हम किसी से पैसा लेने वाले हैं, कोई हमारा डेटर है, वैसे ही हम भी तो किसी के डेटर होंगे, तो वो भी तो हमसे पैसा मांगेंगे। तो हम उन्हें क्या करते, बिल दे दे कि भैया ये देखिए 25,000 रुपये का बिल हमारे पास है, आपको हमसे पैसे लेने हैं ना इस डेट पर, तो ये लीजिए आप ये बिल पकड़िए और आप उस पर्सन से जाके पैसा मांग लीजिएगा, वो आपको मेरी तरफ से पैसा दे देगा, मुझे ना देके वो पैसा आपको दे देगा। तो उसके लिए बिल का प्रॉपर बेचान किया जाता है, बेचा जाता है, तो पीछे लिखा जाता है बिल के ऊपर कि हमने इस डेट पर ये बिल इनको दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी जो कंपनी है ना एस लिमिटेड, इन्होंने इन 25,000 में से 20,000 के बिल्स को तो ऐसे ही दे दिया, मतलब या तो अपने क्रेडिटर को किसी को दे दिया या तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। बैंक भी इसके डिस्काउंट के लिए आपको सुविधा देती है ना कि अगर आपके पास बिल्स रिसीवेबल है और आपको कैश की ज़रूरत अभी है तो आप क्या करिए, हमारे से इनको इन कैश करवा सकते हो, अपने इस 20,000 रुपये के बिल को हमें दीजिए और इसके बदले पैसा ले जाइए, बस वहाँ पे बैंक थोड़ा सा डिस्काउंट काटेगी, मतलब अपना कमीशन लेगी, एक तरीके से अपना चार्ज लेगी कि 20,000 की जगह आपको थोड़ा कम मिलेगा और बैंक उस डेट पे जाके उनसे पूरा 20,000 ले लेगी, डिफरेंस वाली अमाउंट बैंक अपना इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट के रूप में रखती है। तो ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि एस लिमिटेड ने 20,000 के बिल्स के साथ यही किया, रिमेनिंग 5,000 उसके पास है। हमें क्या देखना होता है, कॉमन बिल्स पेबल रिसीवेबल, मतलब क्या माल कमीशन की डेट पर ऐसे बिल पेबल और बिल रिसीवेबल जो कि एक दूसरे कंपनी से, यानी कि परचेजिंग और वेंडर कंपनी से रिलेटेड हो, तो ऐसे बिल्स तो जस्ट 5,000 के। दैट मीन्स हमारे कॉमन बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बोल रहे हैं, एस लिमिटेड के 6,000 रुपये के समापन व्ययों का भुगतान पी लिमिटेड द्वारा किया गया है। एस लिमिटेड वेंडर कंपनी के जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस होंगे ना 6,000, उनको भी पी लिमिटेड पे करेगी, तो अच्छी बात है, परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्री करेंगे। करना क्या है, एस लिमिटेड की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट और शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाइए, पी लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्रीज कीजिए और पी लिमिटेड का बैलेंस शीट भी बनाइए, यह मानते हुए कि एकीकरण क्रय की प्रकृति का है। स्टूडेंट्स, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दो अकाउंट बनाने हैं, वेंडर कंपनी की बुक्स में परचेजिंग कंपनी की बुक में एंट्रीज करो और परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बना दो, जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था ना, उसी टाइप का वर्किंग यहाँ भी करना है, उतना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। परचेज कंसिडरेशन, क्या हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है? देन नो, परचेज कंसिडरेशन तो फर्स्ट लाइन में ही गिवन है, 3,00,000 रुपये में बिजनेस परचेज किया, उसके लिए इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, देन परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड इट पर ₹3 लेके जार परचेज कंसिडरेशन। ओके जान दो। आगे अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज, नो अकाउंट्स प्रिपेयर करने, रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, चलिए दोनों अकाउंट बना लेते हैं। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड, हमारी वेंडर कंपनी। क्या क्या अकाउंट बनाने हैं? एक तो बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, करें स्टार्ट। सबसे पहले एक एक करके एंट्री हम माइंड में याद करते जाएंगे और क्या करते जाएंगे, इन दोनों से रिलेटेड है तो पोस्टिंग करते जाएंगे। फर्स्ट एंट्री होती है वेंडर कंपनी की बुक्स में ऐसी एसेट्स जिनको की परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार हो जाए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी एसेट्स को परचेजिंग कंपनी लेने को तैयार हुई है और कौन सी एसेट को नहीं, ये तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। तो हम क्या मानेंगे कि सारी एसेट्स ले ली, सारी लाइबिलिटीज़ भी ले ली, क्योंकि जब तक मना नहीं किया जाए माना जाएगा ना। देखो, जब स्पेसिफाई करके बोल दे
कि उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और स्टॉक को लेना तय किया, तब तो हमें पता है कि बाकी सारे एसेट्स नहीं ले सकते। जब बोल दे कि स्टॉक के अलावा सारे एसेट्स लेना तय किया, तो पता है स्टॉक नहीं लिखेंगे। जब कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे, सारे एसेट्स ले ली, तो हम सारे एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर्स बीआर और कैश, जो भी एसेट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस लिमिटेड की बुक्स में प्लांट तो है नहीं, फर्नीचर है 30,000, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितना, 30,000 रुपये। चलिए आगे देखते हैं। एस जो हमारी स्टॉक 2,70,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2,70,000। चलिए आगे गिवन है डेटर्स, डेटर्स ऑफ ₹55,000, तो यही एंट्री ना, रियलाइजेशन टू डेटर्स, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 55,000। आगे देखिए बिल्स रिसीवेबल ऑफ ₹30,000, एंट्री रियलाइजेशन टू बिल्स रिसीवेबल, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। इसके बाद कैश एट बैंक है, तो रियलाइजेशन टू कैश एट बैंक 70,000। चलिए आगे देखते हैं लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी साइड में नॉन करंट लाइबिलिटी तो कोई है नहीं, क्रेडिटर्स है और बिल्स पेबल है, तो इन दोनों को हम लिख देंगे अपनी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ आ जाएंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स ऑफ ₹80,000। एस लिमिटेड में क्रेडिटर्स कितने, 80,000। फिर है बिल्स पेबल, तो एंट्री कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय बिल्स पेबल अकाउंट, ये हो गया हमारे 10,000 के बिल्स पेबल। चलिए अब इसके बाद, हाँ 10,000, इसके बाद एंट्री होती है स्टूडेंट्स ऐसी एसेट लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो कि परचेजिंग कंपनी ना ले, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद देखें हम एंट्री करते हैं परचेज कंसिडरेशन से रिलेटेड, एंट्री क्या होती है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी। परचेज कंसिडरेशन कितना बोलिए, 3,00,000 रुपये, स्टार्टिंग में ही बताया हमें 3,00,000 रुपये का परचेज कंसिडरेशन एंट्री हो जाएगी पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेजिंग कंपनी का नाम पी लिमिटेड है, तो रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय पी लिमिटेड कितना, 3,00,000। ये क्या है हमारा परचेज कंसिडरेशन। चलिए अब इसके बाद परचेज कंसिडरेशन रिसीव होता है, रिसीव होने की क्या एंट्री, जिस भी फॉर्म में रिसीव हो रहा हो, और यहाँ किस फॉर्म में रिसीव हो रहा है, तो सारा का सारा हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पी लिमिटेड अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसका, और ये 3,00,000 रुपये के शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही अकाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर बनाने नहीं बोला गया, तो हम नहीं बनाएंगे। आगे एंट्रीज होती है स्टूडेंट्स प्रेफरेंशियल कैपिटल से रिलेटेड, देन नो देयर इज नो प्रेफरेंशियल कैपिटल। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का तो बोल रहे हैं कि भुगतान ही परचेजिंग कंपनी ने किया, तो हमें तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आगे एंट्री होगी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स से रिलेटेड सभी। देखिए स्टूडेंट्स इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिवेन्यू रिजर्व है, फिक्टीशियस एसेट तो कुछ नहीं है, तो इन दोनों चीज़ों को, रिजर्व को और कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। एंट्री कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आ जाएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,00,000 रुपये की कैपिटल, दैट्स ऑल फाइन। आगे 70,000 का रिवेन्यू रिजर्व्स गिवन है, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो यहाँ आ जाएगी एंट्री बाय रेवेन्यू रिजर्व्स अकाउंट 70,000। फाइन, सारी एंट्रीज हो गई। अब इसके बाद एंट्री बचती है जस्ट हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करके फाइनल पेमेंट करने की, उसके अलावा कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट हमारे पास है, इसको क्लोज करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करके उसे ट्रांसफ़र कर देना है इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो पहले इस अकाउंट को हम क्लोज करें, टोटल करते हैं इधर तो 390। यहाँ टोटल आ रही है 4,60,000, इधर 390, दैट मीन्स 70,000 का लॉस। क्या है? 70,000 का लॉस है। तो लॉस हो चाहे तो प्रॉफिट हो, कहाँ ट्रांसफ़र करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एंट्री कैसे होगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आ जाएगी बाय इक्विटी शेयर होल्डर 70,000। तो एंट्री हमने की इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में भी आएगा ना, किस नाम से आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 70,000 का ये लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्लियर? समझ में आ गई चीज? सारी एंट्रीज हो गई। अब फाइनल पेमेंट करना हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पेमेंट करने के लिए अवेलेबल है क्या? जस्ट परचेज कंसिडरेशन में मिले हुए वो शेयर्स, और वो शेयर्स कितने के थे? 3,00,000 रुपए के। उन 3,00,000 रुपए के शेयर्स को पे करेंगे। एंट्री कैसे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन पी लिमिटेड अकाउंट, और ये 3,00,000 के शेयर्स इनको पे कर देंगे। देख लीजिए इस एंट्री के बाद इस अकाउंट में कोई बैलेंस बचा नहीं, ये अकाउंट भी क्लोज। और ये हमारी वेंडर कंपनी एस लिमिटेड की बुक्स में हमने दोनों अकाउंट्स तैयार कर लिए। इसके बाद अब हमें करना क्या है? जर्नल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है पी लिमिटेड की। चलिए, हो गया, ये समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी, जो कि वेंडर कंपनी एस लिमिटेड का बिजनेस परचेज करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। देखिए, फर्स्ट एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स? हमेशा की तरह बिजनेस परचेज करेंगे पी लिमिटेड, वी लिमिटेड, एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड की जितनी एसेट्स थी सारी एसेट्स ली, सारी लाइबिलिटीज भी ली। एंट्री करें एक एक करके। देखिए, एसेट्स में सबसे पहली एसेट है एस लिमिटेड के पास फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इनका 30,000 का फर्नीचर हमने लिया। फिर आगे है एसेट में स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,70,000 है, 2,70,000। डेटर्स है, डेटर्स हमारे 55,000 के। चलिए, बिल्स रिसीवेबल भी है एस लिमिटेड में 30,000, इनको भी लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000। फाइन, आगे कैश एट बैंक है 75,000, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 75,000। सारी एसेट्स लिखी। एक बार यहाँ थोड़ी स्पेस छोड़ देते, क्या पता एंट्री के डिफरेंस में गुडविल आए। फिर टू लाइबिलिटी, देखिए दोनों है, क्रेडिटर्स भी है, बिल्स पेबल भी है। क्रेडिटर्स लिखेंगे कितना है? 80,000। यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स 80,000। बिल्स पेबल है 10,000, टू बिल्स
रिसीवेबल अकाउंट ये 10,000। सारी एसेट्स लिख ली एक एक करके, सारी लाइबिलिटीज लिख ली। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, परचेज कंसिडरेशन, किस नाम से, टू लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी एस लिमिटेड, कितना, 3,00,000 रुपए। अब देखिए डिफरेंस, दोनों साइड टोटल करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। चार लाख 60,000, 3,90,000, तो यहाँ 70,000 का डिफरेंस। डेबिट साइड बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखा जाएगा, कैपिटल रिजर्व, यही पढ़ा है ना। अगर बैलेंस क्रेडिट साइड कम पड़ेगा तो उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से लिखा जाएगा। ये कैपिटल था हमारा बैलेंस एंड फिगर। आई बात समझ में, आया समझ में। अगर उस साइड बैलेंस कम होता है, अभी तक हम हमेशा गुडविल में ही लिख रहे थे डिफरेंस को, लेकिन अब तो डेबिट साइड तो वैसे ही ज़्यादा बैलेंस है, तो कम इधर है, तो इधर हम एक नया अकाउंट लिख देते कैपिटल रिजर्व। चलिए आगे, इसके बाद ये फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। सेकंड एंट्री, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इनको पेमेंट करना है 3,00,000 रुपए के लिए। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो कोई कैश तो है नहीं, सीधा सा हमें इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देना है। तो यहाँ लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कोई डिस्काउंट प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तो एट पार इशूड होंगे आपके शेयर 3,00,000 पे। ओके फाइन, आगे तो बिज़नेस परचेज से रिलेटेड तो दो एंट्रीज होती है, बिजनेस परचेज करना, परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना। अब एक्स्ट्रा में यहाँ पर देखिए कॉमन म्यूचुअल डेट्स, इनको जिनको हम कहते हैं, यहाँ पे बिल्स पेबल रिसीवेबल भी है, आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक की इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। तो इन सारी चीज़ों का अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले देखिए कॉमन बिल्स पेबल रिसीवेबल 25,000 बोला पहले तो, पर फिर बताया कि उनमें से सिर्फ 5,000 के बिल अभी है, बाकी 20,000 के डिस्काउंटेड है या फिर आपने अपने क्रेडिटर्स को वो बेच दिए हैं। तो ओके, अगर उनका एंडोर्समेंट हो चुका है तब तो उनका कुछ भी हमें करना नहीं, हमें तो सिर्फ 5,000 के बिल्स पेबल रिसीवेबल कॉमन जो है उनको कैंसिल करना है, बहुत सिंपल। थर्ड एंट्री हम करें, कैसे कैंसिल होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो लाइबिलिटी है क्रेडिट बैलेंस के साथ उसको कर दो डेबिट, तो कैंसिल। और इसी तरह जो एसेट है डेबिट बैलेंस के साथ बिल्स रिसीवेबल, उसको कर दो क्रेडिट, तो वो भी कैंसिल। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000 के कॉमन बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल कैंसिल। डेटर क्रेडिटर तो कुछ कॉमन नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमें एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक की इन्फॉर्मेशन है। क्या बोला हुआ था कि 12,500 रुपये का इन्वॉइस प्राइस है और वो कॉस्ट प्लस 25% के रेट पे सेल आउट हो रखा है। चलिए एंट्री क्या करनी है, सबसे पहले एंट्री हम देखें। हमने सीखा था कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक का जो अमाउंट होता है उसे हमें लेस करना होता है स्टॉक से, मतलब उतनी अमाउंट से, उस प्रॉफिट के अमाउंट से हमारे स्टॉक को रिड्यूस करना है, ये तो हमें पता है। चलिए ठीक है, डेबिट क्या होगा, क्या समझा था कि अगर बिजनेस परचेज की एंट्री करते टाइम गुडविल आए, गुडविल को डेबिट करो, कैपिटल रिजर्व आए, कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो, कुछ ना आए, बैलेंस बराबर हो जाए तो भी गुडविल को डेबिट करो, यही समझा था ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया है तो इस कैपिटल रिजर्व को डेबिट किया जाएगा। एंट्री हमारी होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, हमें स्टॉक को कम करना है तो स्टॉक को क्रेडिट करना पड़ेगा। चलो मैम एंट्री तो समझ में आ गया, अमाउंट का क्या करें, बोला है 12,500 का इनवॉइस प्राइस है, कॉस्ट प्लस 25% सेल आउट होता है, तो अपॉन 125 × 25, ये एक तरीके से सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस दे रखी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कॉस्ट पर गिवन है, तो सेल्स प्राइस अपॉन 100 प्लस रेट इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी
12,500 अपॉन ये 6,000 वेट 12,500 अपॉन 2,500 का हमारा आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और इसको हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया कैपिटल रिजर्व को डेबिट करके, स्टॉक को भी 2,500 से रिड्यूस कर दिया। तो कॉमन डेटर क्रेडिटर तो है नहीं, बिल्स पेबल की एंट्री हो गई, स्टॉक की एंट्री हो गई, एक एंट्री और बची है। देखिए हमें बोला था एस लिमिटेड के 6,000 रुपये के समापन व्ययों का भुगतान पी लिमिटेड द्वारा किया गया, मतलब कि वेंडर कंपनी के लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी परचेजिंग कंपनी पे कर रही है। तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में इससे रिलेटेड एंट्री तो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कितनी 6,000 कैसे करते हैं, तो बैंक तो क्रेडिट होगा, हमें पता है पैसा जाएगा, 6,000 रुपये डेबिट, सेम यही कंसेप्ट था ना, कि अगर इस एंट्री में गुडविल आता है गुडविल, कैपिटल रिजर्व आता है कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं आता है तो भी गुडविल। तो इस एंट्री में हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया है तो इस कैपिटल रिजर्व को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 6,000 रुपये का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट भी हो गया। तो बस परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर सारी जर्नल एंट्रीज हमने कर दी। अब फाइनली हमें प्रिपेयर करनी है परचेजिंग कंपनी पी लिमिटेड की बैलेंस शीट। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर सबको? चलिए अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट पी लिमिटेड की आफ्टर अमालगमेशन। बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एज इट 31 मार्च 2016, यही डेट दे रखी है। करें स्टार्ट, सबसे पहले वही हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है उस हिसाब से हम करते जाते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें पॉइंट ए शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर आई थिंक गिवन है, बिल्कुल 20,00,000 रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है पी लिमिटेड की, लिख देते हैं यहाँ। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये 20,00,000 रुपए की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इसके बाद लिखी जाएगी हमारी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड एंड, देखें कि पी लिमिटेड की ऑलरेडी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल 9,00,000 रुपए तो थी, उसको तो हम लिख देते हैं। 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ये तो 9,00,000 की कैपिटल पहले से थी। हमने अभी जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट किया तो 30,000 नए इक्विटी शेयर इशू किए, तो उन 30,000 नए इक्विटी शेयर्स जो इशू है उनको लिखा जाएगा। 3,00,000 रुपए के लिए इशू किया है ना आपने, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये 3,00,000 रुपए की कैपिटल। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमें ये वन है स्टूडेंट्स नॉन करंट लाइबिलिटी, सॉरी रिजर्व्स, उससे पहले रिजर्व्स लिखेंगे। पॉइंट बी रिजर्व्स इन सरप्लस,
रिजर्व्स में देखिए, रिवेन्यू रिजर्व्स तो हमें बुक के अंदर गिवन ही है। पी लिमिटेड का रिवेन्यू रिजर्व 2,80,000, इसके बाद हमारी जर्नल एंट्रीज में एक नया रिजर्व आया है, कैपिटल रिजर्व। हमें परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अभी जब एंट्रीज करी थी ना, कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ था। देखिए, बिजनेस परचेज के साथ 70,000 का कैपिटल रिजर्व आया था, उसमें से 2,500 का हमने स्टॉक में एडजस्टमेंट किया और 6,000 का हमने एडजस्टमेंट किया हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। टोटल 8,500 माइनस कर दे, 61,500 का हमारा कैपिटल रिजर्व। दैट्स ऑल नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये फर्स्ट हमारा शेयर होल्डर्स फंड हो गया, सेकंड हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, नल। थर्ड करंट लाइबिलिटीज, तो हाँ करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है। क्रेडिटर्स लिखे पहले, देखिए क्रेडिटर्स गिवन है हमें 1,05,000 और 80,000, दैट मीन्स 1,85,000 दोनों कंपनीज के ऐड होके आएंगे ना क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के बाद लिखे जाएंगे बिल्स पेबल। यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं बैलेंस शीट को। बिल्स पेबल, देखिए बिल्स पेबल कितने दोनों कंपनी के देखते हैं। एक पी में 35,000 और एस में 10,000, दैट मीन्स टोटल 45,000। इनर कॉलम में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कुछ कॉमन है, माइनस करेंगे कॉमन बिल्स पेबल। कितना था कॉमन, हमने कितने से एंट्री करी पीपी टू बी आर, 5,000 से। तो यहाँ 5,000 कैंसिल होकर रिमेनिंग 40,000 हमारे आ जाएंगे बाहर वाले कॉलम में। इसके बाद बस बिल्कुल लाइबिलिटी साइड हमारा कंप्लीट कर लेते हैं एक बार इसकी टोटल, उसके बाद हम अपनी एसेट साइड बनाएंगे। चलिए ये आती है 1,76,500, 1,76,500। ओके, अब इसके बाद आगे हम अपनी एसेट साइड पर आ जाते हैं। एसेट्स में सबसे पहला हेड नॉन करंट एसेट्स, पॉइंट ए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। देखिए क्या क्या गिवन है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में, प्लांट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, दोनों को लिखा जाएगा प्लांट। 650 का है पी लिमिटेड में और एस में कोई प्लांट है नहीं तो नहीं लिखेंगे, दैट्स ऑल। 6,50,000, ओके। फर्नीचर गिवन है दोनों कंपनीज में है 75,000 और 30,000, दैट मीन्स 1,05,000। चलिए दो ही गिवन है हमारे फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट लिखे बी पॉइंट, तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं है, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स नहीं, ओके। सेकंड आ जाएगी हमारी करंट एसेट्स, आइए देखते हैं। स्टॉक गिवन है 3,05,000 और 2,70,000, 3,05 और 2,70, तो ये हो गया 5,75,000।
जनरल केसेस में तो हम इसे आउटर कॉलम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक था, उसके लिए हमने प्रोविज़न बनाया एक तरीके से, कह दिया कि स्टॉक को हमने रिड्यूस किया था 2500 से, तो उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा, किस नाम से, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये था हमारा 2500 का, रिमेनिंग 572,500। चलिए आगे देखते हैं, डेटर्स दोनों कंपनी के गिवन है 156 और 55 लिख देंगे, कोई डेटर में तो कॉमन कुछ है नहीं, 156 प्लस 55 211,000 ये हमारे डेटर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स बिल्स रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन है, 20 प्लस 30 50 20,000 प्लस 30,000 50,000 इसमें से भी लेस किए जाएंगे, कॉमन बिल्स रिसीवेबल जो हमने कैंसिल किए थे ना, जैसे कॉमन बिल्स पेएबल थे वैसे कॉमन बिल्स रिसीवेबल भी हो जाएंगे 5,000 के, तो ये आ गया 45,000। और लास्ट हमारी एसेट कैश एट बैंक 114,000 प्लस 75,000, जनरल केसेस में तो यही आ जाता, लेकिन याद कीजिए स्टूडेंट्स हमने एक पेमेंट किया, हमने मीन्स पी लिमिटेड ने, परचेजिंग कंपनी ने एक पेमेंट किया था, कौन सा पेमेंट मैम याद करिए, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड ₹6,000 का पेमेंट किसने किया था, यही कंपनी ने किया था, तो यहाँ से माइनस हो जाएंगे 6,000, तो 114,000 प्लस 75,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 183,000, ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट, इस साइड भी कर ले हम, टोटल आनी चाहिए कितनी 1,766,500। बिल्कुल 1,766,500, और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी ख़त्म। आई बात समझ में, सिंपल सा ही था स्टूडेंट्स क्वेश्चन, कोई बहुत ज़्यादा टफ पॉइंट इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, बस एक था कि इस बार हमारे पास कैपिटल रिजर्व आया बिजनेस परचेज में, अभी तक हमेशा जितने क्वेश्चन किए उसमें गुडविल ही आ रही थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ एक पार्ट हमारे चैप्टर का यूँ कहा जाए तो कंप्लीट हो गया है। मैंने इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक छोड़ा था इंटर कंपनी होल्डिंग्स इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का, अब वो टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाने के चांसेस भी है, मीन्स जो क्वेश्चन आएगा उसमें उस टॉपिक का एडजस्टमेंट भी आए। याद कीजिए हमने पढ़े इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स, इसके अंदर हमने तीन पार्ट किए थे, फर्स्ट हमने पार्ट पढ़ा म्यूचुअल डेट्स, इसमें फिर तीन चीज़ें पढ़ी थी कॉमन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, फिर हमने पढ़े थे कॉमन बिल्स रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेबल्स, और फिर हमने पढ़े थे कॉमन लोन। फाइन, सेकंड पॉइंट पे हमने पढ़ा था प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, और थर्ड पॉइंट हमारा आता है इंटर कंपनी होल्डिंग्स और इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स के अंदर कवर होते हैं, ये दो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक हमारा बच रहा है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें
और इनमें, इन दोनों टॉपिक्स के सारे एडजस्टमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। इन दोनों से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट्स होते थे अभी तक जो किए, वो कौन सी कंपनी की बुक्स के अंदर होते हैं? जस्ट परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी को इनसे कोई इफेक्ट नहीं था, वेंडर कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में चेंजेस आते हैं। लेकिन जो हमारे इंटर कंपनी होल्डिंग्स है, जो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट्स है, इनकी वजह से चेंजेस आएंगे। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में भी कुछ अकाउंटिंग में फ़र्क आएगा, वेंडर कंपनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग में फ़र्क आएगा, और साथ के साथ परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन में भी डिफरेंस आएगा। तो इन सब चीज़ों को अब हमें पढ़ना है। तो अगली क्लास से हम सीखेंगे, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग होती क्या है, फिर उसके जो कंडीशंस हैं उनको पढ़ते हुए हम फिर से सीखेंगे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना और कुछ फर्दर एंट्रीज करना भी। नेक्स्ट क्लास से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी थियरी कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, उसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन बच रहे हैं चैप्टर के, उनको भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक अभी तक के जो क्वेश्चंस हुए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, इनसे रिलेटेड जो बुक के अंदर भी इंटर कंपनी होल्डिंग्स टॉपिक लास्ट में गिवन है, लगभग उससे पहले के जितने इलस्ट्रेशंस हैं ना स्टूडेंट्स, उनको भी आप सॉल्व करें आगे इस टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।